दो दिन पूर्व वृंदावन के रुक्मणी बिहार स्थित सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान हुई दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर पहुंची वृंदावन और उन्होंने 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जल निगम के जेई व ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। यहां बताते चलें कि मंगलवार की सायं रुक्मणी बिहार स्थित जल निगम द्वारा संचालित मेन पंपिंग स्टेशन पर शाम करीब 5 बजे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर निवासी युवक सतीश इसमें सफाई के लिए उतरा था। इसी दौरान टैंक में गैस बन गई जिसकी वजह से सतीश उसमें फंस गया। सतीश को फंसा देख उसका साथी युवक अशोक उसे बचाने टैंक में उतरा तो वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया जिससे दोनों की टैंक में भरे गंदे पानी में डूब जाने से मौत हो गई। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त मामले में 48 घंटों से अधिक बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने की जानकारी जब वृंदावन पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर को लगी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, जहां उन्होंने संबंधित पंपिंग स्टेशन के जेई व ठेकेदार पर परिजनों को पैसे देकर कार्यवाही न करने के एवज में समझौता लिखाने की बात कही। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर दो युवकों की मौत के मामले में 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य हूँ। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ दो दिन पहले एक घटना हुई है, जो सीवर टैंक का जो कुआ है जो पूरा शहर का विस्तार जहाँ आता है उसमें गिरने से दो लोगों की मौत हो जाती है। दो लोगों की है ना, दो लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कि मैंने यहाँ संज्ञान लिया, अधिकारियों से जानकारी ली। उसके बाद भी अभी तक यहाँ के प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो यहाँ के अधिकारी हैं और जल निगम जल बोर्ड के और ठेकेदार है सुपरवाइजर है, उन्होंने उनके परिवार पे प्रेशर देकर एक समझौता भी लिखवा लिया कि यह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस तरीके से कोई मतलब पैर फिसलने से या इस तरीके से ऐसा कौन करता है। मैं यहाँ के मीडिया के लोगों के माध्यम से जानना चाहती हूँ, चोर ही तो ये काम करते हैं, समझौता कौन लिखवाता है, किसको जरूरत पड़ती है जिन्होंने गलती की है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये है कि कोई भी विदाउट सेफ्टी किट मैनुअली अंदर नहीं घुसाया जाएगा और काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद भी ना उसकी कमर में कोई बेल्ट है, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, ग्लव्स है, मास्क है, बूट है, हेलमेट है, उसको ऐसे ही अंदर उतार दिया जाता है और मृत्यु हो जाती है। जिससे कि मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने अब ये समझ लिया है कि इंसान की जिंदगी कुत्ता बिल्ली की जिंदगी है, जहाँ चाहे ठोकर मारो और मर जाता है। और ऊपर से अधिकारी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कर्मचारी हमारा जेई वहाँ था। अगर आपका जेई था तो इसने जानबूझकर उसे धकेला है क्या? सुपरवाइजर अगर वहां था तो उसने जानबूझकर उसको उसमें गिराया है क्या? तो अगर जेई था तो वो क्यों नहीं कूदा उसको निकालने के लिए? सुपरवाइजर था तो वो क्यों नहीं कूदा? ठेकेदार था तो वो क्यों नहीं कूदा? और था तो 3 घंटे में क्यों फिर हमको डेड बॉडी मिल रही है? कारण मैं जान सकती हूँ कि 3 घंटे में डेड बॉडी मिलने का कारण है कि वहां कोई नहीं था, लापरवाही वहां के जल बोर्ड के अधिकारियों की थी, जिसमें कि एई जेई एक्सीएन सुपरवाइजर ये सब शामिल है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आगरा होता है तो कोई मथुरा में बैठा होता है, और कर्मचारी टैंक में 3 घंटे मरा हुआ पड़ा रहता है। इन लोगों ने जानवर समझ रखा है, जानवर नहीं समझने दिया जाएगा। उसकी मौत का जो खामियाजा है और आगे भविष्य में हमको मौतों को अगर रोकना है तो अधिकारियों पर कार्रवाई आवश्यक है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार MS एक्ट और 304 जो बनता है वो बनेगा और लगेगा, इन पे कार्रवाई होगी। जल बोर्ड के जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने निर्देशित किया वहाँ काम के लिए, उन सब अधिकारियों को क्या मुआवजा मिलेगा? मुआवजा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो है वो तो मिलेगा ही, और कोशिश करेंगे कि जल बोर्ड श्योर करे कि उनके परिवारों को नौकरी दे। मुआवजा देगा कौन सा विभाग देगा? जल बोर्ड और यहाँ का प्रशासन मिलकर इसको देगा। कितना मुआवजा देगा? 10 लाख रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है वो मिलेगा ही। अगर इनका कोई जो अपनी सरकार के बीमा चल रहे उनमें से अगर कोई है तो उसका भी वो मिलेगा उनको, और माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से भी प्रयास करेंगे कि इन परिवारों को कुछ दिलाया जाए।